विराट कोहली के करियर में अब रहा कुछ नहीं है, ये बात भी ठीक है, और मुझे लगता है कि वो आने वाले वक्त में अब कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बात भी ठीक है, ऐसा मुझे लोग कहते हैं। एज अ पाकिस्तानी जो मुझे मैं अब जो सपोर्ट कर रहा हूँ विराट कोहली की, वो इसलिए कह रहा हूँ कि देखिए 1700 कोई ये खाला जी का घर नहीं है, ये कोई कैंडी क्रश नहीं हो रहा कि 1700 कर दिए अगले ने, ये कोई ग्रेट आदमी 100 कर सकता है, ये आम बंदा 100 नहीं कर सकता इतने। और मेरी तो ख्वाहिश है कि अभी तो आपने देखना है कि अब जब इस फेज से विराट कोहली बाहर आएगा वो एक और दुनिया का बंदा होगा, और इस दुनिया से उसको निकलना है। कुछ चीज़ें हैं जो विराट कोहली को खुद सेट करनी है, और मैं इशारतन उसको समझा रहा हूँ अपने व्लॉग से कि वो जो एक एक एक, एक जो लाइफ स्पैन था एज ए कैप्टन और एक मीडिया रिलेटेड एक लाइफ थी, साइड पे कर दें आप बिल्कुल नाक की सेहत में और बल्ले के साथ आप फोकस हो जाए, कोई मसला नहीं परफॉर्म हुआ तो क्या हो गया, लोग बाहर निकालने कह रहे हैं तो क्या हो गया। भाई ये जो सारी चीजें जो हो रही हैं, मैं विराट कोहली को बता रहा हूँ, जो सारी चीजें हो रही हैं ये आपको बड़ा बनाने के लिए हो रही है, आपने इसमें से बड़ा बनना है, आपने 300 करने हैं और मैंने 110 कहे हैं, प्लीज़ 110 करिएगा, मेरी बात का मान रखना है, 40 करने हैं, अभी आप बहुत छोटे हो और फिट भी हो, डरना नहीं है, पता लगे कि टक्कर के बंदे के साथ टक्कर मारी है किसी ने तो आप वो टक्कर वाले आदमी हो, आप अपने आप को फोकस कर लें, छोड़ दें बाकी कौन क्या कहता है, छोड़ दें। भाई देखो मैं जब विराट कोहली को पहला मिला था, वो बच्चे थे, छोटे से थे, 2010 की बात कर रहा हूँ, तो उनमें एग्रेशन था, चाहत थी, लड़ने का जज्बा था, वो जज्बा आज भी ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ी फॉर्म ही गई है ना, तो क्या हो गया, फॉर्म आ जाती है। वो कहते हैं जी फॉर्म इज़ टेम्पररी, क्लास इज़ परमानेंट, पता नहीं क्या क्या ये बातें करते रहते हैं, क्लास इज़ फॉरएवर। भाई जान जब फॉर्म जाती है तो क्लास भी जाती है, फॉर्म ही सारा कुछ होता है। मैं बस ये मशवरा दूंगा बहुत सारे इंडियंस को, प्लीज़ हल्का होला हाथ रखें विराट कोहली पे, वो ग्रेटेस्ट प्लेयर है, ग्रेटेस्ट प्लेयर के साथ इस तरह सलूक नहीं किया जाता। बहरहाल जो भी बातें नेगेटिव आपके खिलाफ विराट कोहली साहब आपके खिलाफ बोल रहे हैं, आप इनको ज़खीरा इसको समेट लें, एक तिजोरी में बंद कर लें और उसको पी जाएं। गुस्सा अगर निकाल दिया तो एनर्जी ज़ाया हो जाएगी, गुस्से को अगर पी लिया तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और बॉल जब बल्ले पर लगेगी तो बॉल ही निकलेगा, आग निकलेगी वहाँ से, लेकिन फोकस होने के साथ साथ।